यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस की फ़ीस कितनी पड़ती है और यहाँ पर जो मंथली हॉस्टल खर्चा कितना पड़ता है? यदि कोई स्टूडेंट सेकेंड या थर्ड राउंड में काउंसलिंग कराकर अगर उसको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है फिर वो कॉलेज छोड़ना चाहता है तो उसको कितना जो है अमाउंट पे करना पड़ता है पेनाल्टी के रूप में, और वहाँ पर एमबीबीएस का कोर्स कंप्लीट करने के बाद कौन कौन से बॉन्ड लगते हैं इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। तो पहले नंबर पर जो कॉलेज आता है हमारा आता है KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। एनुअल फ़ीस की इसकी बात करें तो जो इसकी एनुअल फ़ीस है तो इसकी एनुअल फ़ीस है 54,600 रुपये। अमाउंट टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन यानी कि जिस टाइम आप काउंसलिंग कराते हैं, काउंसलिंग कराने के बाद जब आपको वहाँ पर फ़ीस पे करनी पड़ती है, पूरी पूरी फ़ीस आपको वहाँ पर पे करनी पड़ती है, 54,600 रुपये आपको पूरे पे करने पड़ते हैं। मंथली हॉस्टल खर्चा यहाँ पर कितना पड़ता है, जो आपको हर मंथ हॉस्टल का जो खर्चा देना पड़ता है वो पड़ता है आपको 2,400 रुपये, और जो खाना पीना वो अलग से पड़ता है, सिर्फ ये आपका हॉस्टल का खर्चा है यानी कि काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर अलॉटमेंट टू सीट टू द कैंडिडेट्स यानी कि या किसी भी स्टूडेंट को अगर वहाँ पर सीट मिलती है थर्ड या सेकेंड राउंड में और वो अगर उसको कोई अच्छा कॉलेज मिल गया वो KGMC को छोड़ना चाहता है, जैसे कि मौलाना आज़ाद मिल गया और भी कई कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी, अगर वो मिल गया और KGMU को छोड़ना चाहता है तो उसको जो पैसे पे करने पड़ेंगे 5,260 रुपये पेनाल्टी के रूप में पे करना पड़ेगा। यदि हम बात करते हैं बॉन्ड के बारे में तो यूपी में यदि आप यहाँ पर MBBS कंप्लीट कर लेते हैं 5.5 साल के बाद तो आपको जो यूपी गवर्नमेंट को जो बॉन्ड देना पड़ता है वो सर्विस बॉन्ड होता है। यहाँ पर या तो गवर्नमेंट के अंतर्गत 2 साल आप जॉब करिए या तो आपको गवर्नमेंट को 10 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। ये आपको यहाँ पर जो लगता है यूपी में सर्विस बॉन्ड लगता है। तो चलिए दूसरे कॉलेज की बात करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा कॉलेज जो है GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर, ये काफ़ी पुराना कॉलेज है, आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, इसका कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसकी जो एनुअल फ़ीस है कितनी पड़ती है। इसकी जो एनुअल फ़ीस है वो 36,000 रुपये है। यदि आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो आपको पूरे पूरे 36,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, और यदि यहाँ पर आप थर्ड या सेकंड राउंड में रिज़ाइन करना चाहते हैं, मतलब यदि आपको जो है GSVM कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है और आप थर्ड या सेकंड राउंड में इसको छोड़ना चाहते हैं, कोई और कॉलेज अगर आपको टॉप कॉलेज मिल गया है उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो पेनाल्टी के रूप में जो यहाँ पे करना पड़ता है वो 3,600 रुपये पे करने पड़ेंगे। तीसरे नंबर पे आता है हमारा BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहाँ पर जो आपकी एनुअल फीस है ये है 32,874 रुपये, और अमाउंट टू पेड एट द टाइम एडमिशन यानी कि जब आप एडमिशन लेते हैं तब आपको पूरे टोटल 32,874 रुपये पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है वो है कि जो यहाँ पर मंथली जो होटल खर्चा आपका पड़ता है वो 190 रुपये पड़ता है, यानी कि आपका जो पॉकेट खर्चा है वो लगभग कितना ही इसका क्या है हॉस्टल खर्चा है। और यहाँ पर जो आप अगर सेकेंड या थर्ड राउंड में ये यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट होती है, आप किसी कारणवश ये यूनिवर्सिटी छोड़ना चाहते हैं तो आपको कोई भी पेनाल्टी नहीं देनी पड़ेगी। किंतु यदि आपको फाइनल राउंड की काउंसलिंग में यहाँ की जो है सीट अलॉटमेंट होती है, आप किसी कारणवश सीट को छोड़ना चाहते हैं यानी कि जो MBBS की सीट आप खराब करना चाहते हैं तो आप पर जो यूनिवर्सिटी चार्ज लगाते हैं वो लगाते हैं 3 लाख रुपये, यानी कि आपको पूरे टोटल 3 लाख रुपये पे करने पड़ेंगे तब आप यहाँ की जो है सीट छोड़ सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है हमारा मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद। ये भी कॉलेज काफ़ी अच्छा है और फेमस है। यहाँ की अगर हम एनुअल फीस की बात करें तो यहाँ पर भी एनुअल फीस आपकी 36,000 रुपये है, और आपको एडमिशन लेते समय आपको टोटल 36,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर हम हॉस्टल फीस की बात करें तो हॉस्टल फीस यहाँ पर भी कम है, यानी कि आपको 600 रुपये सिर्फ हॉस्टल फीस देने पड़ेंगे और खाना पीना आपको अलग से जो भी खर्चा लगे वो पड़ेगा। यदि आपको यहाँ पर सेकेंड या थर्ड राउंड में यहाँ का जो कॉलेज है आपको अलॉटमेंट हो जाता है और आपको किसी कारणवश यहाँ पर इस कॉलेज से आपको रिजाइन देना होता है तो आपको यहाँ पर 3,000 पेनाल्टी के रूप में पे करना पड़ेगा, यानी कि आप जो आपने 36,000 रुपये जमा किए हैं तो उसमें से 3,000 कट के आपको 33,000 रुपये रिफंड वापस किया जाएगा। पांचवें नंबर पे जो हमारा आता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये लखनऊ में
जो कि जल्द ही इसमें अभी MBBS की पढ़ाई स्टार्ट हुई है, ये नया ही अभी खुला है। और अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसमें एनुअल फीस कितनी है, तो इसमें एनुअल फीस जो है 18,000 रुपये है। और अमाउंट टू बी पेड यानी कि जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको कितने रुपये पे करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर जब आप एडमिशन लेते हैं आपको 60,600 रुपये पे करने पड़ेंगे, यानी कि आपको काफ़ी ज़्यादा रुपये एडमिशन के टाइम पर पे करने पड़ते हैं, जैसे कि एनुअल फीस सिर्फ आपकी 18,000 रुपये है। वही अगर हम हॉस्टल खर्चा की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हॉस्टल खर्चा है वो कहाँ पर है, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में ही है, क्योंकि यहाँ पर जो हॉस्टल खर्चा है 4,000 हॉस्टल खर्चा आपको पड़ेगा यहाँ पर, प्लस खाना पीना आपको अलग से करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर थर्ड या सेकेंड राउंड में कॉलेज आपको अलॉटमेंट होता है, अगर आप यहाँ से रिजाइन देना चाहते हैं किसी अन्य कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको पेनाल्टी के रूप में 10,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, फिर आप यहाँ से रिजाइन दे सकते हैं। यानी कि अगर आपने 18,000 रुपये जमा किए हैं तो आपके 10,000 रुपये कट जाएंगे, सिर्फ आपको 8,000 रुपये ही वापस किए जाएंगे। तो हम छठे नंबर पे बात करते हैं BRD मेडिकल कॉलेज। अगर यहाँ की फीस की बात करें तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज ये भी अच्छा है गोरखपुर में है, इसमें जो एनुअल फीस आपकी है वो 42,000 रुपये है, और जो यहाँ पर आपका हॉस्टल खर्चा बैठता है वो काफ़ी कम बैठता है, सिर्फ 500 रुपये ही है, और खाने पीने का खर्चा अलग से होता है। लगभग यहाँ पर अगर राम मनोहर लोहिया की तुलना की जाए तो यहाँ पर जो फीस है काफ़ी कम है हॉस्टल की, किंतु यहाँ पर जो एनुअल फीस है ज़्यादा है 42,000 रुपये, वहीं राम मनोहर लोहिया में जो फीस है वो है 18,000 रुपये। ये गोरखपुर में है BRD बाबा भीमराव अम्बेडकर, तो यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। अगर हम बात करें आगे वाले मेडिकल कॉलेज की तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो अगली वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे, पार्ट वन था, पार्ट टू में आपको हम जितने और भी मेडिकल कॉलेज बचे हैं उसकी फीस, बाउंड और हॉस्टल खर्चा, अगर हम वहाँ पर सेकेंड या थर्ड राउंड में कोई भी सीट छोड़ते हैं तो क्या क्या वहाँ पे हमें पेनल्टी देनी पड़ती है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो भाई लोग, अगर आप भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।